हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वायरल वीडियो के ऊपर। हो सकता है आपके पास भी आई हो, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल है और उसको देखने के बाद लोगों की अलग अलग राय है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ उस वीडियो में है क्या। दोस्तों, हो सकता है आप अमूल लस्सी पीते हों, इस्तेमाल करते हों और अगर ऐसी वीडियो आ जाए तो हो सकता है आप भड़क जाए। तो इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, देखिए मैं आपको पूरी तरीके से तो उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक अनजान शख्स जो कि ना ही अपनी शक्ल दिखाता है, ना ही अपनी लोकेशन बताता है और वो अमूल लस्सी के कुछ पैक्स रखता है और बताता है कि ये सारे पैक्स जो हैं वो एक्सपायरी डेट के अंदर हैं, यानी एक्सपायर नहीं किए गए हैं और ये सारे पैक्स पीने लायक नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है कि वो अमूल लस्सी के पैक्स को खोल के दिखाता है, ऊपर के पार्ट को कट कर देता है और उसको जब खोल के दिखाता है तो उसमें फंगस रहता है, तो सारे पैक्स खराब रहते हैं, फंगस लगा रहता है, पीने लायक नहीं रहता। तो इस तरह की वीडियो कुछ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। अब इसको देखने के बाद बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं और बहुत से लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं। आप ट्विटर पे देख सकते हैं बहुत से लोग ट्वीट करके अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। अब इस पे अमूल का क्या कहना है। अमूल कहता है कि ये एक फेक वीडियो है, एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एक तरह का डर क्रिएट किया जा रहा है कस्टमर्स के बीच। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो में ये जो पैक्स दिखाए जा रहे हैं उसके जो स्ट्रॉ होल एरिया है, जो सिल्वर तरह के चमकते रहते हैं, वो डैमेज है, तो इसके थ्रू फंगस लग गया है और डैमेज होने की वजह से ये जो पैक्स हैं खराब दिख रहे हैं। और जिसने भी ये वीडियो बनाई है, जो भी क्रिएटर, उसने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया अमूल को और रिपोर्ट भी नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ अमूल कह रहा है और अमूल का ये भी कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स के अच्छे खासे क्वालिटी और पैकेजिंग चेक्स होते हैं, तब जाके ये सब मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें जो वीडियो बनाने वाला है वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, अपनी लोकेशन नहीं बताता। अब अगर आपके पास ये वायरल वीडियो आती है तो आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा, उसमें जो पैक्स हैं उसके स्ट्रॉ होल एरिया में आपको डैमेज दिखेगा, छेद दिखेंगे। तो अगर इस इंसान को ये वीडियो बनानी थी तो डैमेज के साथ साथ एक फ्रेश पैक लेता जो एक्सपायरी डेट के अंदर होता और उसका जो स्ट्रॉ होल एरिया है वो डैमेज ना होता, उसके साथ बनाता और दिखाता और बताता क्या वाकई में इसमें भी फंगस है कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वही पैक लिए जो डैमेज थे। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि इसके थ्रू फंगस हो गया हो और उसने अमूल को कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं किया, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो। और वैसे तो कुछ लोगों ने वीडियो भी बना के लगा दिया है और उसमें से काट के दिखाया है तो सारे पैक फ्रेश निकल रहे हैं। तो यही आपके साथ भी होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप अमूल को कॉन्टैक्ट करिए। अगर देखा जाए तो उसमें अमूल का कहना सही लग रहा है, ये वीडियो फेक लग रही है। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो देखकर उस पर विश्वास ना कर लें। अगर आपको लगता है तो आप जाकर खुद कंफर्म करें। अगर आपको अमूल के नोटिस पे अभी भी शक है तो आप जाइए एक अमूल की लस्सी खरीदिए और ऐसी लस्सी खरीदिए जिसका ऊपर का पार्ट डैमेज ना हो, कोई भी चीज डैमेज ना हो, क्योंकि ये अमूल भी बताता है कि आप परचेज ना करें कोई भी लीक्ड पैकेट, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसा आप पैक लीजिए जो कि जिसका स्ट्रॉ जो होल एरिया है वो डैमेज ना हो, कहीं से भी डैमेज ना हो, और फिर आप उसको काट के अपने गिलास में डालिए और फिर आप खुद पता करिए कि अमूल कितना सच कह रहा है कितना नहीं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।